क्या कर लेंगे, अपने मॉडल को नोपिक्स आर्ट में शेयर कर लेने के बाद क्या करना होगा, टूल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ना आपको यहाँ पे जो है ना यहाँ पे टिल्ट और शिफ्ट का जो है ना आपको ऑप्शन मिलेगा, उस पर इस तरह से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो है ना रेडिकल पे इस तरह से क्लिक कर देना होगा और यहाँ से कुछ सेटिंग होगा जो कि आपको अप्लाई कर लेना होगा। तो क्या कर लेंगे गाइज, यहाँ से ना आपको सेटिंग जो है ना अप्लाई कर लेना है। तो क्या कर लेंगे, कुछ स्टेप से इसको पोंज करके आपको ना यहाँ पे बीच में सेंटर में कुछ स्टेप से आपको ना इसको यहाँ से अप्लाई कर लेना होगा। और यहाँ से क्या कर लेंगे, इसका ना जो है ना अमाउंट को थोड़ा सा हम लोग डिक्रीज कर देंगे। तुम कितना कर लेते हैं इसको, लगभग 6 कर लेते हैं। और 6 करने के बाद क्या करना होगा, आपको ना इस तरह से जो है ना इरेजर वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ना आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो क्या कर लेंगे, स्क्रॉल कर लेंगे। तो स्क्रॉल करने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा बैकग्राउंड पे, उस पर इस तरह से क्लिक करना होगा जिससे जो कि आपका फोटो ना ऑटोमेटिकली जो भी इफेक्ट आया होगा ना वो रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो क्या कर लेंगे, यहाँ से इस तरह से क्या करना होगा, यहाँ से राइट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से अप्लाई कर देंगे। तो इतना सेटिंग कर लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से अगेन टूल पे जाएंगे और टूल पे जाने के बाद क्या करना होगा, आपको एडजस्ट इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ से ना सिचुएशन का ऑप्शन मिल रहा होगा, उस पर क्लिक करना होगा। और यहाँ से सिचुएशन को जो है ना उसका अमाउंट को आपको 100 डिक्रीज कर लेना है, कुछ इस तरह से 100 डिक्रीज कर लेंगे। और 100 डिक्रीज करने के बाद क्या करना होगा, यहाँ से ना आपको इरेजर का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, अगेन इरेजर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ना आपको जो है ना यहाँ पर अगेन क्या करना होगा, बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, नीचे की तरह स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद क्या करना होगा आपको ना गाइस, यहाँ से आपको अगेन बैकग्राउंड कर देना है। तो बैकग्राउंड करने के बाद कुछ स्ट्रेस आपका जो है ना रिमूव हो जाएगा, जो भी इफेक्ट आया होगा और ऑटो रिमूव हो जाएगा यहाँ से ना। तो क्या कर लेंगे, यहाँ से जो है रिस्टोर पे जाएंगे और कुछ स्टेप से जो भी आपका एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव हो गया होगा कुछ स्ट्रेस आपको रिस्टोर कर लेना है गाइस। क्या कर लेते हैं हम लोग फटाक से ना रिस्टोर कर लेते हैं, आप लोग भी गाइस कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है ये करना। तो यहाँ से रिमूव कर लेने के बाद क्या करना होगा आपको ना, यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे। तो और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से अप्लाई कर देंगे और यहाँ से क्या करना होगा, नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना होगा गाइज। क्या कर लेते हैं हम लोग, नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं गाइज। करने के बाद ना गाइज आपको एड फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उस पर यहाँ से क्लिक करेंगे। लेंगे दो PNG को आपको ऐड कर लेने के बाद क्या करना होगा, एक PNG को आपको नीचे की तरह इस तरह से आप साइड में नीचे कर लेंगे ना, नीचे की तरह आपको इसको ना कुछ इस तरह से नीचे की तरह एक नीचे कर लेंगे और एक PNG कुछ इस तरह से आपको जूम करके और यहाँ से ना ब्लाइंड पर क्लिक करना होगा और यहाँ से इसको स्कैन कर देंगे गाइस। तो कुछ इस तरह से स्कैन करने के बाद उसको ना आपको एडजस्ट कर लेना होगा। तो कुछ इस तरह से ना गाइस इसको मिडिल में लाकर कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेंगे। तो एडजस्ट करने के बाद क्या करना होगा, यहाँ से आपको इरेजर पे जाना होगा और यहाँ पे इरेजर भी क्लिक करेंगे और जो भी इफेक्ट आया होगा आपके ना बॉडी पे उसको कुछ इस तरह से रिमूव कर लेना होगा गाइस। तो कुछ इस तरह से रिस्टोर करने के बाद क्या कर लेंगे गाइज, यहाँ से ना आपको राइट क्लिक कर देना होगा और राइट क्लिक करने के बाद आपको जो सेकेंड PNG था ना फ्रेंड्स, तो उसको कुछ इस तरह से जूम करके आपको ना उसको कुछ इस तरह से जूम करके आपको ना यहाँ पे ब्लाइंड पे क्लिक करना होगा, उसको लाइट चेंज कर देंगे यहाँ से लाइटिंग कर देना होगा। और लाइटिंग करने के बाद क्या कर लेंगे, यहाँ से ना गाइज यहाँ से अप्लाई कर देंगे। तो कुछ इस तरह से अप्लाई कर देंगे और अगेन क्या कर लेंगे, एड फोटो पे जाएंगे और अगेन एक बात क्या कर लेंगे ना होगा, आपको ब्लाइंड पे क्लिक करना होगा और यहाँ से ना फ्रेंड इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, लाइट चेंज कर देते हैं यहाँ से। तो
तो लाइटिंग करने के बाद कुछ इस तरह से ना आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा फ्रेंड, अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम इस फोटो के अकॉर्डिंग ना इसको एडजस्ट करने आए, तो आप अपने मॉडल के अकॉर्डिंग ना आप एडजस्ट कर लीजिएगा फ्रेंड। कुछ इस तरह से आप अपने फ़ोटो को जूम कर लीजिएगा, स्ट्रेच करके छोटा कर लीजिएगा, और कुछ इस तरह से इस PNG को आपको ना कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना होगा। तो कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेने के बाद क्या करना होगा, इरेजर वाला आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इरेजर ले लेंगे, और जो भी इसका हार्डनेस को थोड़ा सा आपको सेटिंग यही रखना होगा, और क्या कर लेंगे जो भी इफेक्ट आया होगा ना आपके फेस पे उसको क्या करेंगे ओनली फेस पे से रिमूव करना होगा फ्रेंड। क्या कर लेते हैं हम लोग, जो भी इफेक्ट आपका फेस पे से आया होगा ना उसको कुछ इस तरह से और अपने हेयर पे से रिमूव कर लेना होगा। तो कुछ इस टाइप से रिमूव कर लेने के बाद क्या कर लेंगे, यहाँ से ना फ्रेंड्स आपको राइट क्लिक कर देंगे यहाँ से, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से क्या कर लेंगे अप्लाई कर देंगे। तो कुछ इस टाइप का फ़ोटो ना यहाँ पे आपका क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर लेंगे थोड़ा सा ना आपको जो है रिटचिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो क्या कर लेते हैं हम लोग, नीचे की तरह स्क्रॉल कर लेते हैं और आपको रिटच का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ पर ना आपका जो है स्मूथ का ऑप्शन मिल जाएगा। क्या कर लेंगे इस पर क्लिक करेंगे और ऑटो स्मूथ कर लेंगे अपने में फ़ोटो ऑटो स्मूथ करके यहाँ से अप्लाई, और यहाँ से जस्ट क्या कर लेंगे अप्लाई करने के तीर वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और फ़ोटो को सेव टू डिवाइस कर लेंगे गाइस।